हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज के सम्मान में कसवा ताजपुर के उस मंडप में हिंदू एकता धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने जात बिरादरी से उभरकर राजनीति चीजें छोड़कर एक हिंदुत्व कायम करने की अपील की। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि आज भी हम जाति, धर्म और बिरादरी में बटे हुए हैं, यही वजह है कि हमारा समाज पिछड़ रहा है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। सो गई है, जिसको जागरण करने के लिए ही श्री महामंडलेश्वर जी आज यहाँ पर आ रहे हैं। हम ये ना सोचें कि ये हरिजन है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, ये क्या किया, ये चौहान है। आज दूसरे लोगों से जिन्हें शांति दूत कहा जाता है, हम उन शांति दूत से भयभीत क्यों है, क्या हमारे अंदर शक्ति आया? तो पहले तो आपको खुशी है, स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने आज के जातिवाद और आतंकवाद की जड़ें मिटाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने हर हर महादेव और हिंदुत्व रक्षा के नारे लगाकर लोगों के मन में हिंदुत्व की जागृति पैदा की। काली मंदिर के महाराज आचार्य गोविंद सिंह ने भी सभ्य, सुशासित, शांति वाले समाज में धर्म आधारित शासन का प्रमुख आधार बताया। कार्यक्रम के आयोजक दिग्विजय सिंह चौहान एवं वीर सिंह, महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान अवनीश कुमार, बलवंत सिंह, हिमांशु चौहान, मनोज अग्रवाल, धर्म अवतार वर्मा, सुरेश कुमार सैनी आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प लेते हुए वहां से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज का भव्य स्वागत किया और उनके साथ जोरदार नारे लगाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रोहतास सिंह चौहान एवं संचालन शुभम बालिया ने किया।